हमारे आका अली सलाम ने फरमाया, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, माँ उस्मान, हुजूर ये उस्मान का मर्तबा क्या है? तो हमारे आका अली सलाम ने फरमाया, ज़ाका इमरुम मिन अहलिल जन्ना, उस्मान जन्नती मर्द है, जो जन्नती देखना चाहे वो उस्मान गनी को देखता रहे। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला नो जन्नती ही नहीं है, जन्नती तो है ही है, अल्लाह आपके सदके भी लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, हमारे आका अली सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लयदखुलन्ना बिशफाअति उस्मान सबऊन अल्फा। अल्लाह के रसूल अली सलाम फरमाते हैं कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शफाअत से अल्लाह 70,000 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी को शफाअत का खुसूसी कोटा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया, और वो जिन 70,000 लोगों को उस्मान गनी की शफाअत पर जन्नत दी जाएगी उनकी हालत क्या होगी? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुहुम कद इस्तौजबन नार, के इन 70,000 में से हर एक अपने बाज आमाल की वजह से ऐसे होंगे कि उन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। यानी ऐसे 70,000 जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, अल्लाह के रसूल अली सलाम फरमाते, बग़ैर हिसाब उस्मान गनी की शफात पर ऐसे 70,000 को अल्लाह बग़ैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अब ये हदीसें कौन पढ़ सकता है और ये हदीसें कौन सुना सकता है और सुन सकता है? राफजी शिया तो माज़ अल्लाह उस्मान गनी को बहुत कुछ लान तान, यहां तक के माज़ अल्लाह उन्हें जहन्नमी कहते हैं, वो तो इन हदीसों को पढ़ नहीं सकते, और वहाबी खारजी भी इन हदीसों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिन वाबियों का ये अकीदा है कि माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर अपनी बेटी की भी शफात नहीं करेंगे, माज़ अल्लाह, जिन्होंने तकवियतुल ईमान में ये लिखा है कि कयामत के दिन कोई सिफारिश नहीं करेगा और कोई शफात नहीं करेगा, तो जो नबी की शफात ना मान सके वो नबी के गुलाम की शफात कैसे माने? तो इन हदीसों को सच्चे दिल से पढ़कर और सच्चे दिल से सुनकर वही अपने सीने को ठंडा कर सकता है जिसके सीने में अकीदे अहले सुन्नत मौजूद हैं।